बिहार में अब नो एंट्री वाली सियासत शुरू हो गई और इसकी शुरुआत की है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने पटना में आज अपनी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पेपर लगा दिया जिसमें लिखा है नो एंट्री नीतीश चाचा। तेज प्रताप मीडिया के कैमरों के सामने खुद ये पर्चा दिखाते नजर आए। दरअसल महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी के कयास पर तेज प्रताप ने दो दिन पहले ही कहा था कि नीतीश के लिए न तो महागठबंधन में जगह है और न ही मेरे घर में। रविवार को तेज प्रताप ने कहा था कि घर के बाहर नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाऊंगा और आज उन्होंने वही किया। तेज प्रताप ने मीडिया के सामने एक पेपर लहराया जिसमें लिखा था नो एंट्री नीतीश चाचा। पहले तो यह है नो एंट्री का बोर्ड है नीतीश चाचा जी के लिए लगा हुआ है। वही आज नीतीश को घेरने वाले तेज प्रताप के फेसबुक पोस्ट में कल एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी। तेज प्रताप की एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि आरजेडी के कुछ नेता मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं और मेरे माता पिता मेरी बात नहीं सुन रहे इसलिए राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि तेज प्रताप ने आज इसकी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और इसके पीछे नीतीश कुमार और सुशील मोदी का हाथ है। हैक किया गया है बीजेपी आरएसएस जेडीयू वाले नीतीश चाचा सुशील मोदी चाचा ये लोग सब मिलकर के मेरा लोकप्रियता बढ़ रहा है उसके लिए मेरा अकाउंट को हैक कराया गया है।